भाई क्या कहना चाहोगे, नया सॉन्ग आया दानिश अल्फाज का जीना चाहेगा, आपने सुना ये गाना देखा? मैं अभी जस्ट आते आते अभी गाड़ी में सुनते हुए आया हूँ, और दानिश मेरे भाई के जितने भी गाने हैं वो हमेशा सुपर हिट ही रहे, तो मैं दुआ करता हूँ कि ये गाना सुपर डुपर हिट हो और ऐसे ही वो तरक्की करते रहे, ऐसे ही वो सक्सेस उनको मिलती रहे। हमारी दुआएं हमारा साथ उनके साथ है, और मेरे हिसाब से दानिश भाई आज की तारीख में एक रॉक स्टार है और फ्यूचर के बहुत बड़े अपकमिंग स्टार है, तो हमारे बेस्ट विशेज, हमारा गुड लक उनके साथ। थैंक यू सो मच। सबसे मेरे लिए तो बहुत अच्छी, मेरे लिए खास बात ये है कि ये लोग आए मेरे पास मेरे इवेंट में, तो मेरा इवेंट ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। थैंक यू सो मच सर भाई। मैं भी दानिश को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस सॉन्ग के लिए, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मैंने देखा आज ही देखा है सॉन्ग, एंड मेरे बेस्ट विशेज आपके साथ है दानिश। मेरे जो भी पंगे होने वाले हैं फ्यूचर में, ये खड़े हैं मेरे साथ में, ये लड़ेंगे ये दोनों भी। ऑलरेडी बहुत पंगे लाइफ है यार। ओके सो सोमी भी आई है, सोमी को मिलते हैं। तो अच्छा लगा आप आए? हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। आपका गाना सुन के और भी अच्छा लगा। सो स्वीट। आप सिर्फ अच्छा गाते नहीं है और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, तो आई रियली लव्ड इट, इट वाज रियली अमेजिंग। हाँ, मुझे खुद पहली बार ऐसा लगा मैंने बहुत अच्छा एक्ट किया है। हाँ, काफी बहुत पहले सब लोग तारीफ करते थे मेरे एक्ट की, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, बट इस बार इस गाने से मुझे लगा यार मैंने, क्योंकि एक्चुअल एक्ट किया है मैंने, उसमें हमने कोई ग्लिसरीन नहीं यूज़ किया है। Really? वो रियल इमोशंस रियल फील के साथ वो पूरा गाना शूट किया है, आप देखेंगे really तो impressed. अब मैं नेक्स्ट क्लासेस आपके पास लेने आ रही हूं। ओए ये देखो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आ जाओ दक्षिणा। तो इनसे भी मिल लेते हम लोग। दक्षिणा अपकमिंग सिंगर है, ये भाभी है जो म्यूजिक डायरेक्टर है गोल्ड बाजी, उनकी वाइफ है, ये प्रिंसी एक्ट्रेस से आए, और अगर कुछ बोलना है हमारे बारे में तो बोल सकते हैं, मेरी तारीफ कर देना। दानिश के बारे में अगर एक चीज़ें बोलो तो शायद से वो कम पड़ जाएगा, बिकॉज ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अमेजिंग सोल, आई वुड से अ परफेक्ट मैन टू बी एग्जिस्टेड, एंड वेरी गुड वॉइस ही हैज़। वो बहुत अच्छे, मतलब उनका वॉइस जितना अच्छा है ना दिल से गाते हैं। वॉइस नहीं आ रही अभी, मतलब वो जितने दिल से गाते हैं उतना ही दिल उनका साफ है, एंड ही इज़ वेरी नाइस पर्सन आई एवर मेट जो एंड है, एंड ये सभी को पता आई थिंक। एज यू सेड ही इज़ अ ग्रेट सिंगर एंड अ ग्रेट पर्सन, ही इज़ गुड फ्रॉम हार्ट, एंड आई थिंक दे लव, दे मेड अ लवली सॉन्ग, प्लीज लिसन। थैंक यू, आई मेड हिम बिग। Thank you.
Very nice number, it's very heart touching. So congratulations to the whole team. Danish has sung also very well, he has acted also in the song, and it has a lot of feel. Matlab ek na wo, whatever they're trying to emote, the feeling is there in the song, so it's very heart touching, jo seedha audience se connect hota hai. So it's that kind of song, so it's a really very nice song. Congratulations to the whole team and congratulations to Danish. Yes. Woo! I think that is great, yeah. So as I said, the song deserves millions and millions of views. I think this is just the beginning, that has crossed 1 million in such a short period of time. So that means, you know, the audience is loving the song and they're loving the vibe of it, and they're loving how, you know, they have directed it. I think all the shots are so well taken, the location is beautiful and the actors are great. So it's connecting with the audience. Aur kya chahiye agar ye gana logo ke dilon ko chhu raha hai to. Sorry, what? I think it's very simple. I do not watch it as an artist or an actor. I watch it as audience. So agar mujhe gana, agar mere, basically it's very simple, agar gana mere dil ko chhu raha hai, if it's touching the right chords, gana is a super hit for me. It's as simple as that. It's a very simple mantra. And yes, this song has touched my heart and everybody's, millions of people's of hearts. So yeah, all the very best to the team. Definitely. Okay. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन कौर, आपका प्यारा प्यारा नोबिता. दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये गाना देखें और इसे खूब सारा प्यार दें. इसके ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्यूज हो चुके हैं, इसे और ज़्यादा मिलियन व्यूज दें दोस्तों, ठीक है ना? अपना ध्यान रखना, बाय. वरना डोरेमोन को मैं बोलूँगा मुझे गैजेट दे और मैं रोऊंगा. थैंक यू. मेरे को बेसिकली दानिश भाई के जितने भी गाने आ रहे हैं अभी फ़िलहाल लाइन से, बहुत प्यारे हैं. मतलब एक हार्ट ब्रेक जॉनर वो पकड़ के चल रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए. आज के टाइम पे यंगस्टर्स जितने छोटे मोटे लव स्टोरी में दिल टूटता है तो बहुत रिलेट कर पाते हैं वो लोग. तो गाने दानिश भाई के, और दानिश भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है, और अक्षय भाई ने डायरेक्ट भी बहुत अच्छे से किए, तो गाना बहुत ही प्यारा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा गाना. स्पेशली वो बॉटल फोड़ने वाला शॉट वॉज माई फेवरेट. ये सब अपने को ज़्यादा पसंद आता है.
नहीं, आई एम नॉट इन टू एनी काइंड ऑफ लव शिट, सो मैं ये सब चीज़ों से रिलेट नहीं करता हूँ. मैं गाने को गाने की तरह सुनता हूँ बस, और कुछ नहीं. पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले, मतलब आई वॉज प्रमोटिंग द सेम ब्रांड स्प्रिंटर्स जो आदित्य भाई भी कर रहे थे, तो हम लोग की बात हुई थी वो चीज़ के ऊपर लेके. और मेरे को ये नहीं मालूम था कि ही वॉज़ इन टू ड्रग्स और ये सारी चीज़ें, बट आज जब मैंने सुना, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े मैंने, तो बहुत बुरा लगा. मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, रादर देन गेटिंग इन टू एनी काइंड ऑफ ड्रग्स शिट एंड ऑल, अच्छा कुछ कर सकते अपने लाइफ के साथ. 5 मिनट के मज़े के लिए पूरी लाइफ अपन ख़राब कर दे रहे, तो वेस्ट है ये सारी चीज़ें. मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मत करो ड्रग्स वग्स, अपने फैमिली के बारे में सोचो, दोस्तों के बारे में सोचो, क्योंकि आप करके आप चले गए, बट आपके पीछे जो लोग हैं उनको बहुत बुरा लगता है, वो फील करते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया. तो से नो टू ड्रग्स. और मैं चाहूँगा हायर ऑफिशियल्स जो लोग ये सुनेंगे, प्लीज़ टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, क्योंकि मुंबई, मलाड, अंधेरी, गोरेगांव, जू, हम लोग रोड पे देखते हैं भाई, 14 साल 15 साल के बच्चे लोग थिनर एंड ऑल लेके बैठे रहते हैं, गांजा फूंकते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब है. सो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ये चीज़ों के अगेंस्ट. एंड बस यही बोलूँगा, मत करो यार, लाइफ मत खराब करो. मैं बोलना चाहूँगा कि आई यूज़ टू मीट हिम पार्टीज़ में, जैसे एमेथिस्ट क्लब था, एक क्लब है एमेथिस्ट अंधेरी में, सो दिस क्लब बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फ्रेंड, वहाँ पे हम लोग पार्टी करते थे, सेम आदित्य भाई भी वहीं पे पार्टी करते थे, तो एक दूसरे को हाय हेलो करना एक ही इंडस्ट्री से, तो मिलना जुलना वो तो चलते रहता था. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. जब भी मिलते थे अच्छे से ग्रीट करते थे, समझाते थे. प्लस उनका जो ब्रांड था, मेरे को ब्रांड का नाम याद नहीं, बट ही यूज़ टू ऑलवेज टेल मी अबाउट द ब्रांड कि आमिर मैं तुमको जैकेट्स भेजूंगा, तुम वो पहनना मेरे ब्रांड का, बहुत अच्छा लगेगा, तुमको सूट करेगा. सो मैं बस इधर ही बोलूँगा कि जिधर भी रहे भाई खुश रहे, और जो गलती उनसे हुई है वो लोग आप लोग रिपीट मत करना कोई भी. मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आज के टाइम पे जो अपन देखते हैं सिचुएशंस कि लोग नशे में हैं, प्यार मोहब्बत में हैं, ये सब चीज़ों से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को वैल्यू करो, अपने मॉम डैड की रिस्पेक्ट करो, ध्यान रखो, क्योंकि एंड टाइम पे सिर्फ आपकी फैमिली आएगी, कोई नहीं आएगा, मतलब की दुनिया है. सो ध्यान रखो. आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? एनीथिंग? कैसा लगा आपको, जीना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? यार मैं एज ए डायरेक्टर और कोरियोग्राफर बताता हूँ, वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सिनेमेटिकली शूट किया है, डैनिश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मायशा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड ये एक फेज होता है लाइफ में जब इंसान का ब्रेकअप होता है, बहुत सारी आवाज़ आ रही है बाहर से, बट दैट्स ओके. तो जब इंसान का ब्रेकअप होता है तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं. एंड मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ब्रेकअप के बाद बदलते हैं उनको पॉजिटिवली बदलना चाहिए, और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ एल्कोहल और ड्रग्स के पीछे, जैसा ये मुद्दा बहुत वार्मिंग चल रहा है अभी फ़िलहाल. एंड यार इट्स अ वेरी सैड न्यूज़, क्योंकि चंद पलों में सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, चंद पलों में सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं. तो मैं चाहता हूँ जितने लोग भी सिर्फ वो टश के चक्कर में और मज़े के चक्कर में ये सारी चीज़ें करते हैं, प्लीज़ से नो टू ड्रग्स, एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. और जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, इन सब चीज़ों को एकदम दूर रखें अपने से, क्योंकि मज़े के चक्कर में आपकी फैमिली बहुत सफ़र करती है फिर बाद में. सो या विदाउट एनी डाउट दानिश भाई का गाना है, और दानिश भाई को अभी काफ़ी टाइम हो गया जानते हुए, तो उनके सारे वर्क्स ऑलरेडी देख रखे हैं. दिस अगेन वॉज अनदर मास्टर पीस एंड आई रियली फील एज एन एक्टर, आई थिंक द सॉन्ग वॉज अमेजिंग, शोकेसिंग काफ़ी अच्छी थी, जिस तरह से जो वीडियो प्ले हो रहा था दैट वॉज अमेजिंग, दैट वॉज वेरी कैची एट द सेम टाइम. एंड आई थिंक एज अ म्यूजिक वीडियो जो कंसर्न था, जो म्यूजिक प्ले होता है ना, तो आप जो वीडियो देखते हो विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक द विजुअल वॉज रियली नाइस एंड आई एक्चुअली एंजॉयड इट. एंड आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट टू दानिश भाई.
एंड होपफुली बहुत सारे ऐसे म्यूजिक वीडियोज़ और देखने के मिलेंगे हमें दानिश भाई की तरफ से. क्या देखो जी, नहीं नहीं नहीं, आप बीच में आएंगे, आप बीच में आएंगे. मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ आज, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मेरे बहुत सारे दोस्त आए, सब लोग आए, बट ज़ुबैर साहब मेरे लिए टाइम निकाल के आए. इससे बड़ा प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए कुछ नहीं है. थैंक यू सो मच. और ये दिन पे दिन हैंडसम होते जा रहे हैं, उसका राज मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता. वो जड़ी बूटी नहीं बताएंगे. नहीं नहीं, जड़ी बूटी की बात नहीं है, इधर से रिफ्लेक्शन आ रहा है. ये अयान कुछ बोलेंगे. अयान देखो, मेरी हाइट सेम हो गई अभी. हाँ, अभी शूज़ भी सेम आने लगे. मुझे लगता है अयान का शूज़ बड़ा है मेरे शूज़ से. हो सकता है, है ना? हो सकता है. और क्या सर, आप बताइए. तो मैं हाँ हाँ, शी इज़ ऑल गुड नाउ, शी इज़ रिकवरिंग. और उनका जो सर्जरी हुआ था अभी, इट्स ऑल गुड. थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न. And also would like to know about, as it is the eve for the song launch, doing very well, already crossed 1 million plus, great hours. क्या कुछ wishes हैं आपके side से? अरे मेरी तो सारी wishes हैं इनके लिए कि ये खूब rise करें, है ना, keep growing. मेरे लिए हमेशा ये रहेगा कि बच्चे हैं, अभी इनका ही time है grow करने के लिए. और इनके जब भी गाने आते हैं, ये ऐसे ही आपके millions आते हैं इनके, और इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे. इंशाल्लाह आपका प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा. ऑलवेज. देखो मेरी ब्लेसिंग सब बच्चों के साथ है. अरे बिल्कुल बिल्कुल. मेरे स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था, वो तब भी आए थे लॉन्च पे, और आज थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा है, बढ़ रहे हैं, तो अभी भी आए हैं. और मुझे पता है जब और कुछ होगा, ये तभी भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह. ऑलवेज सोच भी. दानिश एंड सर, आप दोनों लोग से जाना चाहेंगे, आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई हमारे बीच में. आदित्य सिंह राज काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी, बहुत हमारे बीच में नहीं रहता, ड्रग ओवर डोज दूर का मामला है. क्या आपके तरफ प्रतिक्रिया मिली रहेगी इससे? अरे ये तो हमको पता ही नहीं है. आई एम सो सॉरी कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है. एक्चुअली हम सुबह से आज बहुत ही बिजी थे और कहीं मीटिंग में थे, और हम अभी घर लौटे हैं, और लौटने के बाद अभी आए. दानिश नोज दिस वेल डायरेक्टली. वो हाँ, तो हमें बिल्कुल नहीं पा रहा, और आई एम वेरी सॉरी अगर ऐसा कुछ भी हुआ है. और मैंने सुना है, और मैंने ये भी सुना है शायद वॉशरूम में उनकी डेड बॉडी मिली है. बहुत बुरा लगा ये देख के. आई मीन पता तो है नहीं एग्जैक्टली कि हुआ क्या है, ये मैं नहीं बोल सकता कि क्यों हुआ है, बट यार हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि वो जहाँ भी हो. आप कैसे टर्म्स पे आदित्य के साथ अगर आप कुछ बताना चाहें तो हाउ विल यू? ऑनेस्टली स्पीकिंग हम कभी मिले नहीं है, बट शायद सोशल मीडिया पे या काम वर्क के थ्रू एक दूसरे को देखते ही हैं सब लोग. तो इतना तो जैसे स्प्लिट्स विला वाले काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, एक ग्रुप है, एक सर्कल है, तो कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है. तो वो फील होता है कि अपना ही कोई गया है, अपनी ही फैमिली से कोई गया है, तो बुरा लगता है. और इतनी यंग एज में आई थिंक किसी का जाना, तो बहुत उनकी फैमिली को ऊपर वाला बहुत पावर दे ये सब सहने के लिए. और मैं तो प्यार ही भेज सकता हूँ यहाँ से फिलहाल. देखिए बिल्कुल बिल्कुल. देखिए आज मैं आप लोगों के सब लोगों के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि देखिए कभी भी बच्चों को कुछ भी इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई बीइंग अ पेरेंट आज मेरे लिए अगर बच्चों से ज़्यादा मेरे लिए कुछ है नहीं. मेरे मतलब पूरी जीवन की कमाई जो है वो बच्चे हैं. तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी, मैं बच्चों से खास करके इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ हों कोई भी हो, लेकिन आपको इस तरीके से कभी भी कोई स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की वो पूंजी हो, पूरी पूरी ज़िंदगी की वो पूंजी हो, जो कि कभी दोबारा मिल ही नहीं सकती है और कहीं पर भी नहीं मिल सकती है. तो आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस करो, पेरेंट के साथ बातें करो, है ना, अपने बड़ों से बातें करो, कोई भी. लेकिन आप ये इस तरीके का जो भी करते हैं, ये ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करो. और इन सब चीज़ों से, ये आजकल जो बच्चे ले रहे हैं, जो चल रही है, जैसे कि अभी बताया किस वजह से कुछ ओवरडोज हो गया ड्रग्स का, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहें आप लोग, एकदम दूर. और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इसको टच भी करे, इसके बारे में बात करे या जिक्र करे. आप लोग उस जगह से बिल्कुल हट जाइए, अगर कहीं कोई आपका जिक्र इस चीज़ का टॉपिक पर कोई बात भी हो रही हो, क्योंकि आप लोग मतलब उन माँ बाप का फ्यूचर हो, देश का फ्यूचर हो, ये यहाँ पे इतनी छोटी उम्र में ख़त्म करने से
बहुत बड़ा लॉस है माँ बाप का, हम सब का, देश का, एवरीबॉडी, यू नो। तो इसलिए मैं इस मंच पर और आप सबके बीच में आज ये फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को इतना दुखी ना करे, क्योंकि माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख जीवन में तो हो ही नहीं सकता। प्लीज़ ऐसा मत करो। सोशल मीडिया स्टार है श्रेया गाजा, आ जाइए। ऋषभ, आप भी आना चाहते हो दोबारा तो आ सकते हो। थैंक्स फॉर कमिंग श्रेया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, एंड इट वाज अ वेरी लवली सॉन्ग। नहीं, इट्स ओके, यू कैन स्टैंड, इट्स हिज डे ऑब्वियसली, एंड आई लव दिस सॉन्ग, बहुत सूदिंग सॉन्ग था। एंड मैं इस बंदे को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बहुत मेहनती है, एंड और भी मैं इसके सॉन्ग्स दे चुकी हूँ, पता नहीं अभी तक मुझे इसने कास्ट नहीं किया है, तो आप लोग इसको बोल लो कि नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो में मुझे कास्ट कर दो। अभी यहाँ पे प्रोड्यूसर मिलने वाला है कोई। ओके, थैंक यू गाइस, एंड या आई एम हैविंग फन। जी, गाना मुझे काफ़ी खूबसूरत गाना लगा, जैसे कि इन्होंने बोला ऑलरेडी कि इनकी पर्सनल लाइफ में है, एंड आई थिंक जब आपका वीडियो ठीक है, अब प्रोड्यूस आप करेंगे ना पक्का, अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों आ गए। वीडियो से मेरे को मत जोड़ना प्लीज़ कोई भी। हाँ, ऑडियो मैंने लिखा था और मेरी फीलिंग्स लिखी थी ऑब्वियसली, तो वहाँ रिलेट कर सकते। हाँ, तो मतलब इनकी पर्सनल लाइफ पे गाना है, एंड जब आपकी लाइफ में कुछ होता है आप उतना प्यार डाल देते हो गाने में, तो ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आता है, इसलिए आई वांट कि आप लोग सब इस पे कंटेंट बनाएं, रील्स बनाएं एंड सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ऐसी इंडस्ट्री बढ़ेगी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस गाय, वेरी डिजर्व। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? नो, थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्या